ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज की मधुर मुरली 7/6/2024। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर, जो श्रीमत सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लोन पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी जरूर लगेंगे। आज की मुरली से मुख 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, बाप देह अभिमान से देही अभिमानी बना रहे हैं वो लोग। भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं, यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। तीसरी पॉइंट, तुम 21 जन छीर खंड होकर रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। चौथी पॉइंट, यहाँ तुम ईश्वरी गुण धारण करेंगे, तब ही बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। पांचवी पॉइंट, बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए क्या कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लप नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। सातवीं पॉइंट, प्रेम की दृष्टि रखनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। पॉइंट, बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं, ईश्वरी मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं, देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। नवी पॉइंट, संगम पर हो, बाप भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते, परंतु वह है कौन। बाप भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, ये नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। दसवीं पॉइंट, बाप की याद को एक दम सीने से लगा दो। बाबा ओ बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अजपा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा धारणा के लिए मुखचार। पहली पॉइंट, उनसे भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोल। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना, दर्शन चक्रधारी होकर रहना है, अभ्यास करना है, अंत समय कोई भी चीज याद न आए। वरदान आज बाबा ने दिया, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण, राज ऋषि एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग माना किनारा नहीं, लेकिन सर प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी आधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। गुण आज बाबा ने दिया, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ।
ओम शांति।